हेलो फ्रेंड, आज मुझको ये फेबिना ग्रुप फाउंडेशन की तरफ से ये एप्रन मिला है, जिसको पहनकर मुझे इस पार्टिसिपेट जिसमें मैं कर रही हूँ उसके लिए जो मुझे डिश बनाना है वो बनाना है चिकन के कोफ्ते, पालक वाले चिकन के कोफ्ते। और वो मैं अब तैयारी मैंने कर ली है सारी, मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैं बना रही हूँ, बनाने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई इसको बनाएं, तो ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी डिश है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये मैंने 250 ग्राम चिकन को कीमा लिया हुआ है, चिकन का ये लिया, इसको मैंने पीस लिया था मिक्सर में। और इसमें डालने के लिए ये देखिए 2 चम्मच ये भुने हुए चने हैं, इसको मिलाया जाएगा इसमें। और ये आधी प्याज है, ओनियन, ये 1 टीस्पून खसखश है, और ये थोड़ी सी जिंजर है, और ये गार्लिक है, अदरक और लहसुन, ये गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ये है रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक पड़ेगा। अब इसको हम इसका हल्का सा बारीक सा इसको पीसने के बाद फिर मैं इसमें चिकन में इसको मिक्स करूँगी। अभी जब तक मैं ये करती हूँ तब तक मैं इसका ग्रेवी बनने के लिए रख देती हूँ। इसके लिए ये मैंने पालक को पानी बॉईल करके उसमें पालक एकदम डाल के फ़ौरन बंद कर दी गैस, और बंद करने के बाद उसको छान के और पालक की प्यूरी बना के रख ली, मिक्सर में पीस लिया इसको। और ये हरा धनिया है, ये इसकी ग्रेवी में पड़ेगी, 1 प्याज है, ये कसूरी मेथी है, और ये जो है हरा धनिया और पुदीना दोनों पीस के रख काट के इसको चॉप करके रखे हैं, ये इसमें कोफ्तों में मिलेगा इसका। और ये जो है ये प्याज को मैंने चॉप कर लिया अच्छे से बारीक बिल्कुल, और ये हरी मिर्च ये मिलेगी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तब तक मैं इसकी ग्रेवी करने के लिए रखती हूँ। इसके लिए कुछ नहीं डालना है, सिंपल था, इसमें बस ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। ये 1 प्याज है डाल, अच्छे से भुनाई करना है, थोड़ा सा ये प्याज हो जाएगी, हल्की सी प्याज फ्राई हो जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी पिंक देखें इस तरह से, तो अब इसमें हम ये देखिए मैं आपके पास से दिखाती हूँ। और ये आपको कोफ्ते बहुत ही अच्छे लगेंगे, एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिए, ये खाने में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, क्योंकि मैं अक्सर ये बनाती हूँ, मेरी सबसे फेवरेट डिश है ये, और आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर ट्राई करिए। अब इसमें 2 टीस्पून मैं टर्मरिक हल्दी पाउडर डालूँगी, ये देखो, और 2 टीस्पून ये मैं कोरिएंडर पाउडर धनिया ये डालूँगी, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें, बाकी कोई मसाले इसमें नहीं पड़ेंगे, आपको ये डाल के इसको अच्छे से, और एक बात ध्यान रखिए इसमें पानी की जगह आप दूध डालने के बाद इसका मसाला करिए, ये देखें ये मैंने दूध इसमें लिया हुआ, ये दूध डाला है इसके अंदर, इसी मसाले को तैयार करिए आप दूध डालने के बाद, और इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लीजिए। और इसमें 1 टीस्पून इसमें नमक टेस्ट करके डालिए, क्योंकि पालक में वैसे भी थोड़ा सा नमक नमकीन होता है, इसमें पालक में नमक कमी डालिए,
और ये कोफ्ते एक बार आप ज़रूर बनाइए, एक बार आप बनाएंगे तो आप बार बार इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि इस ये बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं, ज़रूर बनाइए। अब मैं इसका, जब तक मैं इसमें पालक डालती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर में फूट आएगी। ये पालक जब तक पकेगा तब तक हम इसकी मसाला इसका पीस लेंगे कोफ्तों के लिए जो मैंने बनाया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, मिक्स करने के बाद इसको लो टू हाई फ्लेम पे इसको तब तक हम पकने देंगे, क्योंकि इसकी छींटे बहुत उड़ती हैं, इसको ढक के बनाइएगा। इसको रखते हैं हम और तब तक मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। ये मैंने इसका मसाला पीस लिया है और ये इसमें निकाल के इसमें मिक्स कर लेंगे हम, और बहुत हल्का सा पानी डाल के पीसेगा, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा तो कोफ्ते इसके बन नहीं पाएंगे। ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल के नहीं करना है हमें। अब इसके अंदर मैं ये प्याज और हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी वो भी इसमें मिक्स हो जाएगी, और ये हरा धनिया और पुदीना, ये दोनों इसमें मिला के इसके कोफ्ते बना लूँगी जब तक ये इसका मसाला तैयार होता है। देखिए इसके बहुत छींटे, इसके इतने छींटे इसके उड़ते हैं कि सारा सब मेरा एप्रन पे भी आ गया इसका। इसको कि मैंने बिल्कुल सिम पे करा हुआ है, थोड़ा दूध और डालूंगी जब तक ये मसाला होता है, तब तक मैं कोफ्ते बनाती हूँ। और कोफ्तों का नमक एक बार ज़रूर इसमें टेस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हल्का सा नमक, थोड़ा सा हल्का सा पानी हाथ में लगा के मैं भी कसूरी मेथी, मैं थोड़ी सी 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें डाल दूँगी, ताकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इसमें। इसका याद रखिए कि कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग इसको ज़रूर डालिएगा और एक बार ये कोफ्ते ज़रूर ट्राई करिएगा। कोफ्ते डाल दूँगी और इसको गैस बिल्कुल सिम कर दूँ। ये देखना सारे थोड़ी देर में खुद सब इसमें मिक्स हो जाएगा मसाला, और ये बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे बिल्कुल। ये ऐसे लग रहा है ऐसे नहीं लगेंगे इसके अंदर। फिर थोड़ी देर बाद हम इसको हिला देंगे हल्के हाथ से, डालिए बिल्कुल सिम करके। हल्का सा नमक इसमें और पड़ेगा। अब हमको इसको आपको हल्के हाथ से इस तरह से मुझे चलाना है इसको, और बिल्कुल इसको चलाना नहीं है, इसको चम्मच से नहीं चलाएंगे आप, बिल्कुल इसको हल्के से ऐसे करेंगे, ये बिल्कुल सब मिक्स हो जाएगा। और 2 मिनट इसको ढक देंगे, फिर उसके बाद इसकी भुनाई करूँगी मैं। देखिए मैं इसको खोल के देखते हैं, ये देखें अब इसको हम चलाएंगे तो ये
टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। देखें ये, देखें ये टाइट हो गए। तो अब इसी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी थोड़ी देर। इसमें जब आप इसमें कोफ्तों में प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना मिलाएंगे तो प्याज इसमें ज़्यादा मिलाइएगा। और प्याज थोड़ी 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 मोटी प्याज होना चाहिए इसके अंदर, बहुत बारीक प्याज मत करिए। और इसके अंदर जब मिलाएंगे तो वो कोफ्तों में, सारे कोफ्तों में इसका टेस्ट बैठ जाता है, प्याज का, पुदीने का और हरी मिर्च का। तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए जितने आपको ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। और आप ज़रूर इसको ट्राई करिए एक बार, आपको बहुत पसंद आएगा। कोफ्ते तो बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन ये पालक वाले कोफ्ते आप बनाएंगे चिकन के तो बहुत अच्छे लगेंगे। और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी थोड़ी सी हल्की सी ऊपर से डाल दीजिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखें अब बस ये हो चुका है, थोड़ा सा और 2 मिनट। इसमें हल्का सा गरम मसाला, मैंने इसको, आप ये ध्यान रखिए कि बड़े चम्मच से मत चलाइए। देखिए कोफ्ते बिल्कुल टाइट हो गए, देखें आप, ये देखिए ये बिल्कुल कोफ्ते टाइट हो गए, बिल्कुल भी इसका वो नहीं होगा। ये आप जब भी बनाएं इसी से बनाइएगा। और ये देखिए बस, अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालना है।